आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा मैनन पिस्टन्स लिमिटेड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल पे फोकस किया जाएगा कि जो कंपनी है वे करती क्या है। तो देखिए, जो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वे ऑटो का कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो क्या क्या बनाती है? पिस्टन्स बनाती है, ड्यूडिजियन पिंस बनाती है, रिंग्स बनाती है, ऑटो शाफ्ट्स बनाती है फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। यानी जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स होती है ये इनके लिए ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। ट्रैक्टर्स के लिए भी बनाती है, पैसेंजर कार्स के लिए भी बनाती है, और ये जो हैवी ड्यूटी स्टेशनरी इंजन्स होते हैं ना, तो ये उनके लिए भी ऑटो कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, तो चलिए, तो अब कंपनी का हम थोड़ा सा मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में समझा जाए। देखिए, जो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वे 259 करोड़ के आसपास है। कंपनी का जो स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है 14.1 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो 23.6% का है। और कंपनी का जो अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वे 50 रुपया 80 पैसा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वे 20 रुपीज है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूँ तो 20% है, काफी अच्छा है। अगर मैं 52 वीक लो की मैं बात करूँ तो 36 रुपया 20 पैसा का बनाया था, और मैं 52 वीक हाई की बात करूँ तो 64 रुपया 80 पैसा था। कंपनी थोड़ा मोड़ा डिविडेंड देती है, और जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 1 रुपीज है। तो कंपनी, देखिए कंपनी का ये कंपेरिजन्स है, ठीक है ना। मैनन पिस्टन्स कहाँ पर खड़ा होता है, ठीक है ना। तो उससे भी क्या बोलती है, यहाँ से 7-8 कंपनियां इनसे भी आगे है। तो चलिए, कंपनी का हम थोड़ा सा क्वार्टरली बेसिस बताऊं कि रिजल्ट्स क्या है। तो देखिए, कंपनी का जो सेल्स था सितंबर 2019 में 30 रुपया 52 पैसा था, और क्वार्टरली बेसिस पे इसका जो सेल्स था वे देखिए इंक्रीज करता गया, और अभी का जो सेल्स है वे 56 करोड़ 40 लाख के आसपास है। यानी जो कंपनी का जो सेल्स है, तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है उसमें काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं बात करूं तो वे भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। आप देखिए, अभी जो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे 8.47 है। कंपनी का जो एक नेट प्रॉफिट होता है, देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो सितंबर 2019 में 1.64 करोड़ का है, दिसंबर 2019 में 1.02 करोड़ का है, और ये प्रॉफिट इसका इंक्रीज होकर अभी कितना हो गया, 4.99 करोड़ है। यानी अगर क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर कंपनी का जो रिजल्ट देखा जाए तो इसका जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी हमें इंक्रीजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है क्वार्टरली बेसिस पे वे भी इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ ईयरली बेसिस पे कि कंपनी का ईयरली बेसिस पे क्या रिजल्ट है। देखिए, 2011 में जो कंपनी का जो सेल्स था 149 करोड़ का है, 2012 में 165 करोड़ का हो गया, 2013 में 153 करोड़ का है, 2014 में 142 करोड़ का है, 2015 में 144 करोड़ है, 2016 में 130 करोड़ है, 2017 में 133 करोड़ का है, 2018 में 146 करोड़ का है, 2019 में 156 करोड़ का है, 2020 में 118 करोड़ का है, 2021 में 137 करोड़ का है, 2022 में 201 करोड़ का है। यानी ईयरली बेसिस पे भी अगर कंपेयर करो तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है उसमें भी काफी इजाफा हुआ है, और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफी ज्यादा जंप देखने को मिला है। कंपनी का अगर वही अगर मैं नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो 2011 में 9 करोड़ का प्रॉफिट है, 2012 में 10 करोड़ का प्रॉफिट है, 2013 में 5 करोड़ का प्रॉफिट है, 2014 में 2 करोड़ का प्रॉफिट है, 2015 में 6 करोड़ का प्रॉफिट है, 2016 में 4 करोड़ का प्रॉफिट है, 2017 में 7 करोड़ का प्रॉफिट है, 2018 में 7 करोड़ का प्रॉफिट है, 2019 में 10 करोड़ का प्रॉफिट है, 2020 में 4 करोड़ का प्रॉफिट है, 2021 में 9 करोड़ का प्रॉफिट है, और 2022 में तो इसने गजब का प्रॉफिट किया था, यानी 18 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कंपनी का चाहे क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए चाहे ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो सेल्स है वे काफी अच्छा इंक्रीज हो रहा है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी हमें काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है। वही कंपनी की मैं अर्निंग पर शेयर की मैं बात करूं तो वे भी काफी अच्छा। देखिए, अभी जो करंट अर्निंग पर शेयर है यानी 3 रुपए यानी अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें काफी इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है।
ठीक है ना, कंपनी का अगर मैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 10 साल में 2% है, 5 साल में 9% है, 3 साल में 9% है, और टर्म टू टर्म हमें काफी ज्यादा देखने को मिला है, 17% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में 6% का ग्रोथ है, 5 साल में 19% का है, 3 साल में 21% का, और टर्म टू टर्म की अगर मैं बात करूं तो 23% का है। अगर स्टॉक प्राइस का अगर सीजीआर देखा जाए तो पिछले 10 साल में 19% का है, 5 साल में 10% है, और पिछले 3 साल में 54% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, और 1 साल में 19% का रिटर्न है। देखिए जब कंपनी का जब फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है तो कंपनी का जो रिटर्न है वे ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में कोई इतना खास नहीं है, 11% का है, पिछले 5 साल में 12% का है, पिछले 3 साल में 13% का है, और लास्ट ईयर इसने गजब का रिटर्न दिया 20% का। यानी आने वाले दिन में ये जो कंपनी है वे काफी आपको अच्छा करके दे सकती है। और अगर मैं कंपनी के पास अगर मैं रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास अभी जो रिजर्व है वे 97 करोड़ का है, यानी 2011 से 39 करोड़ से बढ़कर जो कंपनी का जो रिजर्व है वे 97 करोड़ है। और वही कंपनी के ऊपर अगर मैं कर्जे की मैं बात करूं तो अभी इसके पास फिलहाल 36 करोड़ का कर्जा है, और अदर लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 27 करोड़ का कर्जा है। तो कंपनी का जो रिजर्व है वे काफी ज्यादा है, कंपनी का जो कैश फ्लो है यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर हमें डिसअपॉइंट किया है। 2021 में काफी अच्छा था, कोई डाउट नहीं है, बट 2022 में जो कंपनी ने जो नेट कैश फ्लो है वे यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव में कर गया, अगर पॉजिटिव में होता तो काफी अच्छा होता। तो जो कंपनी का जो कैश फ्लो है वे इतना अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको काफी ज्यादा इस कंपनी के ऊपर विश्वास है, यानी उनके पास होल्डिंग कितना है 74.37% का स्टेक है, और इसमें जो एफआईएस है उन्होंने भी अब माल उठाना शुरू कर दिया है, एफआईएस के पास कितना स्टेक है 0.05% का स्टेक है, डीआईएस के पास किसी भी तरह का स्टेक नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी किसी तरह का स्टेक नहीं है। अगर मैं पब्लिक होल्डिंग की मैं बात करूँ तो 25.58% का स्टेक है। तो ये तो कंपनी का फंडामेंटल हो गया। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके चार्ट बेसिस पे हम लोग समझते हैं। देखिए कंपनी का जो ऑल टाइम का जो रिटर्न है वे लगभग लगभग 1350% का शानदार रिटर्न दिया है, तो अपने आप में बहुत ही अच्छी है, यानी 1 लाख का इसने 13 लाख रुपया बना दिया। अगर मैं एक दिन की मैं बात करूं तो 2% डाउन है, अगर मैं 5 दिन की मैं बात करूं तो 2% डाउन है, अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो 7% डाउन है, अगर 6 महीने की मैं बात करूं तो 16% का शानदार रिटर्न है, अगर मैं ईयर टू डेट की मैं बात करूं तो 6% डाउन है, पिछले 1 साल में बात करूं तो 19% का भाई शानदार रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल की बात करूं तो 68% का शानदार रिटर्न, यानी काफी अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी। तो देखिए ये जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, यानी देखिए कंपनी के अंदर जब हमें प्रॉफिट ग्रोथ नजर आता है तो कंपनी के जो प्राइसेस होते हैं वे अपने आप भागता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए 2018 में जो कंपनी का जो हाई था यहाँ पर ये 37.20 रुपया है, ध्यान दीजिएगा कितना है 37.20 रुपया है। फिर इसने 2022 के करीब इसने 64.80 रुपया का हाई बनाया था, फिर वहां से कंपनी का थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला और वहां पर इसने बनाया था लगभग 34 या 35 रुपया का लो बनाया था। फिर कंपनी के अंदर हमें काफी अच्छा एक ब्रेकआउट नजर होता हुआ दिखाई दिया, और मुझे लगता है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए कंपनी में किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि देखिए वो पैसा आपका है, ठीक है ना, तो रिस्क आपको लेना है। तो मेरा जो यहाँ पर जो सलाह रहेगा कंपनी का जो बाई रेंज रहेगा तो मैं आपको दूंगा 45 रुपया से 50 रुपया के बीच में आप इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको जो सेल करना है तो सेल का जो टारगेट रहेगा वे हमारा 60 रुपीज का रहेगा, यानी ये शॉर्ट टाइम टारगेट है, ठीक है ना। ये शॉर्ट टाइम में आप 50 रुपया के नीचे आप परचेज कर सकते हैं, और शॉर्ट टाइम में आप इसको 58 रुपया से 60 रुपया में बेचकर आप यहां से निकल सकते हैं, और यहां पर करीब करीब आपको 15 से 20% का शानदार रिटर्न मिल सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।